अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि किसी को पसंद है बाइक, किसी को पसंद है कार। वाह 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 वाह। अगर ज़रा भी हंसी आई, ये चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना, तो लाइक करना पड़ेगा एनोनिमस की पब्लिक। किसी को पसंद है बाइक और किसी को पसंद है कार। वाह 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 वाह। जब पबजी खेलते हुए जाती है लाइट तो हम बोलते हैं यार। सस्ती शायरी, उल्टी सीधी शायरी विद आपका अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस की पब्लिक, हम लोग जा रहे थे वही जो है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, खंडर। हम बोलेंगे खंडर, जहाँ आती है बला, और बला को मारने के बाद हमें मिलती है ग्रोजा वरोजा। तो हम जा रहे थे खंडर में। वो बना था ये पचिंकी के और रोडका के पास में था। और हम लोग, आज मैं खेला था अपने टीममेट्स के साथ, काफ़ी दिनों बाद मैं अपने स्क्वाड, पुराने स्क्वाड के साथ खेल रहा था, तो काफ़ी मज़ा आया। और काफ़ी दिन हो गया आपने मुझे वो हरकतें करते हुए भी देखा होगा, टीममेट्स को नेट कर रहे हैं, तो आज आप वो भी देखोगे कि टीममेट्स को मैंने बड़ा तंग किया। उससे पहले अनोनिमस की पब्लिक, कल की वीडियो में हमने दूध पाक पढ़ा था। दूध पाक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा होगा, और सोचो हमने कितना सवाब कमाया। तो आज काफ़ी दिन हो गए मैंने आपसे और कोई रिक्वेस्ट नहीं की, और लाइव स्ट्रीम करता तो आप लोग ज़रूर मुझे सुपर चैट्स वगैरह भेजते ना, तो आप ऐसा कुछ नहीं करो फिलहाल। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 रुपये या 10 रुपये जो आपके पास हों, आप छोटे हो या बड़े हो, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 रुपये आप किसी ज़रूरतमंद को दे देना। तो सोचो एक वीडियो के बाद हम लोग कितना ज़्यादा पैसे जो है ना दे चुके होंगे। लाइक इस वीडियो के बाद सबने अमल किया और वो लाखों रुपए बन जाएंगे जो हमने इस वीडियो के बाद डोनेट किए। तो गाइस, हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और ये पहला बंदा देखा मैंने, इसको बाबा जी किया नॉक। इतनी देर में फ़ोन से मैं लेट जाता हूँ ताकि किसी को स्पॉट ना हो। और ये अगला बंदा मैंने देखा, आहा हा, इस भाई को ही मारा, और यहाँ पर ये हो गया फिनिश, क्योंकि इसके पास हेलमेट वैसे नहीं थी तो काफ़ी जल्दी मर गया। और फिर इन भाई को देखा हमने, बाबा जी इनको नॉक किया, और इनके दूसरे टीममेट यहीं भाग रहे थे। इसका तो मैंने किल चुराया, पता नहीं किसने नॉक किया था इसको। अब मुझे मेरा किल मिल जाता है। 4 किल आपके अनोनिमस के हो चुके हैं, और मैं नीचे आके बंदे ढूंढ रहा था। अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं है अनोनिमस की पब्लिक, वो हम कंप्लीट करेंगे, फिलहाल रुक जाइए। ओके, तब यहाँ तक अभी लेफ्ट से ना बंदे आ रहे होते हैं, घरों पे लूट करने गए थे, वो घरों से लूट करके यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो हमने कोई बात नहीं सर जी, आ हा हा। पहले भाई को देखा नॉक के, दूसरे भाई हमारे वहाँ पर टीपी ले रहे, मेरे टीममेट ने देखा तो वो मार्क किया था। तो मैंने यहाँ पे ढिशूम भैया को किया नॉक, उनको करेंगे फिनिश। उसके बाद बाबा जी, यहाँ पे एक डीपी वाला बंदा आता है जो बहुत दूर से मेरे 2 टीममेट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से नॉक कर देता है, और मुझे नहीं पता उसने कैसे मारा, बड़ी दूर से मारा, और डीपी से 2-2 बंदे हमारे कर दिए नॉक। तो शुरू में लगा कि फेयर नहीं खेल रहा, और फिर मैंने स्प्रे किया उसके ऊपर, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट जब आया तो मैंने स्प्रे किया, और मेरे टीममेट्स ने उसको पहले से लो किया हुआ था। तो ICU भैया को मैंने लो था, तो मेरी एक आधी बुलेट लगी और वो बंदा नॉक हो गया। तो मतलब नॉक को, तो 2 नॉक है, तो एक को मेरा दूसरे टीम में रिवाइव देगा, एक को मैं रिवाइव दे रहा था। तो यहाँ पे मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ गाइस कि अगर सोचो हमने 5-10 रुपये डोनेट किया और इस वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ आए, तो अगर 5 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो हमने ऐसे मज़े 10 लाख डोनेट कर दिए, लाइक सवाब कमाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। तो सोचो एक वीडियो से कितना अच्छा होगा। गाइस, यहाँ पे गधा गाड़ी जा रही थी, तो मैंने स्प्रे करके इसको डाउन करने की कोशिश की, बट ये एक भी बंदा नहीं गिरा। दूसरा बाइक रुकता है, तो मैंने लेट के यहाँ पे बैठ के स्प्रे दिया बाइक वाले पे, रेड रेड वाइट कुछ नहीं है। तो लो तो हुआ वो बंदा, लेकिन ऊपर भागा। तो मैंने भाई अपने टीममेट को बोला कि आप उसको जाके मारो, और मैं जाता हूँ गाड़ी वालों के पीछे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लूट उठाने आया था, जो कि DP वाला मारा था बंदा हमने। तो बाबा जी, अब मजे की बात, सिंधी डायलॉग में आपसे पूछा था, तो मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई एक डायलॉग बोला करो सिंधी, उसका मतलब है जल, मतलब वो डायलॉग है जल धब। ओके, जल धब है, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था, तो भाई ने मुझे मतलब बताया कि पता नहीं प्रेशर कंट्रोल करो। तो अब मुझे बताना इसका यही मतलब है या नहीं है, और मैं भाई आप लोगों के डायलॉग्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका गुस्सा मुझ पर नहीं निकालना। ओके, तो पश्तो के काफ़ी ज़्यादा डायलॉग हम यूज़ करते हैं, जैसे मस्ती मकावा और जा मड़ा। मुझे पश्तो काफ़ी आती है तो मैं वो यूज़ करता हूँ, पंजाबी भी आती है तो हम वो भी यूज़ करते हैं। सिंधी का डायलॉग हम बोला करेंगे जल धब। अभी ऊपर हमने देखा तो भाई उसको हमने डाउन किया, सांप बन गया था मैं, उसने मुझे स्पॉट कर लिया था, बट मैं लेट के एक से उसको डाउन किया। यहाँ पे 4 के 4 बंदे हैं, वो बाइक वाला इनका नहीं था, मुझे लगा बाइक वाला इनका बंदा है। मेरे पास एमो नहीं है तो ज़्यादा, मैंने यहाँ पे जंप किया नीचे। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, आ हा हा, जल्द धब। ओके, अब ये जल्द धब कितना अजीब लग रहा है बोलते भी, वाह 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 वाह। जा मड़ा, तो वो आप यहाँ पे मैं पंजाबी डायलॉग भी बोलूँगा कि ना छेड़ मलंगा नू कुत्ते पैसन टंगा नू। यस यस यस। तो उसके बाद बाबा जी हमने मजे से की यहाँ पे लूट, और लूट करने के बाद मुझे पता है मेरे भूखे नंगे टीममेट भाग के आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी लूट उठाना शुरू कर दी। मैंने कहा ना 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 ना, लूट नहीं देंगे आपको, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। और लूट का लॉ क्या था गाइज, कमेंट करो जरा। When you see the crate, you just tap 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 tap। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, ये है लॉ ऑफ अनोनिमस। आपके अनोनिमस अजीब अजीब लॉ बनाते हैं। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है जरा नेड की फाइट। अब वो जितनी गेम्स हमने खेली ना 3-4 सब में हो रही थी। मैंने यहाँ पे डाउन किया अपने टीममेट को और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम आए थे गाइस, देखो अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मेरी पिंग हाई होगी, लेकिन ये सर्वर इशू हो गया था। और सर्वर इशू अगर आपको नहीं पता तो वो होता है जितने भी लोग सर्वर में होते हैं सबकी पिंग इशू करने लग जाती है। अब यहाँ पे देखो जॉर्जेबल पहुंचे, ठीक है, और छू, ओके छू, वो लो वापस आ गए। लो बेइज्जती हो गई थी, मेरा छू गलत टाइम पे हो गया था, वापस आ गया। मेरा इतना पिंग हाई हो गया। अब मैं गाड़ी से एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट नहीं हो रहा। मैं अपने टीममेट को बोला ये देखो गाइस, खुद पर खुद गाड़ी आगे आ गई। वाह 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 वाह, क्या इतना हाई पिंग, देखो 500-600 पिंग चल रहा है। नहीं मतलब क्या अनोनिमस की पब्लिक। तो अब थोड़ी सी अपने भाई की तारीफ कर दो। आई नो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कमेंट कर दो, आपका अनोनिमस थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे हमारी पिंग हाई हो गई थी और अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो गाड़ी चल नहीं रही हमसे ना मेरे टीममेट से। तो यहाँ पे मेरा टीममेट उतर गया। अब मुझे पहले लगा मेरी ही पिंग हाई है, लेकिन वो सारों के सारे टीममेट्स की हाई थी। तो हम लोग आराम से फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि पिंग ठीक हो जाए। और शुक्र अच्छी बात है कि सबकी, मतलब पूरे सर्वर में एनिमीज और काफ़ी एनिमीज की भी डाउन हुई होगी, किसी किसी की नहीं होती। बट अभी जैसे 26 लाइव है ना, तो 20, 21, 18, 19 ऐसे बंदों की पिंग हाई अजीब हो गई होगी। ऐसी अभी मैं इमोट कर रहा हूँ, मेरा इमोट ही नहीं होता। फिर ऐसा ऐसा पिंग ठीक होना शुरू हुई, कभी हाई हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भाई हमने फिर थोड़ा ना दोबारा कोशिश की कि थोड़ी और मस्ती की जाए। वो देखो, वो देखो कैसे लेटा हुआ है। आहा सर जी, ये फटा आपके बम में ने ठा, और फिर हमने धुड़की लगा दी। अभी देखो हंस रहे हैं। और यहाँ पे कैसे एक और मज़ा आता है मुझे काम करने में, वो ये है जब कोई रिवाइव दे रहा हो गाड़ी से रिवाइव को ख़राब करना। भी देखना ये, हाँ हाँ भाई दे दो रिवाइव, ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे। तो यहाँ पे मैं तंग कर रहा था अपने टीममेट को, रिवाइव तो नहीं देने देंगे सर। और पता है ये लोग मुझे नॉक करने की कोशिश भी करते हैं, बट ये नॉक कर नहीं पाते। वो देखो, आहा हा हा, ये गिराएंगे नीचे। आहा हा, दे दो भाई रिवाइव दे दो, कैसे दोगे, ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे थोड़ी होता है। और ये ऐसे थोड़ी होता है। वो बेचारा काफ़ी, अब पता मैंने क्यों रिवाइव होने दिया, वो रीज़न ये था गाइज कि पिंग सबकी हाई हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि हमारी पिंग हाई हो जाए और भाई को हम रिवाइव ना दे पाएँ। मुझे ना नींद आ रही है सच में गाइज, अभी ना फजर की अज़ानें किसी भी टाइम हो जाएंगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ सारी रात। आज ना थोड़ा बिजी था तो मैं गेम प्ले लेट बनाना स्टार्ट किया। मैं 12-1 बजे तो गेम खेली, ओपन की और फिर गेम प्ले बना रहा था। और अभी एक हेडशॉट आने वाला है गाइज, देखो अभी भी मैं आगे पीछे जा रहा था, वापस से वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये देखो इतनी हाई पिंग चल रही थी। तो अभी एक हेडशॉट आने वाला है और मैं पहले बोलता हूँ कि मैंने आज तक ये बात, मैं आप अनोनिमस की पब्लिक मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है कि मैंने आज तक हैक यूज़ नहीं किया। मैंने जितनी वीडियोस बनाई किसी एक में भी हैक यूज़ नहीं किया। हाँ एक बात मैं मानता हूँ कि सम टाइम जब लोग मुझे बोलते थे ना, तो मैंने VPN लगा के क्रेट ओपन की कि मेरी कोई अच्छी चीज़ निकल है, बट निकलती नहीं है। लेकिन मेरा अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि आज तक आपके अनोनिमस ने ना हैक यूज़ करके नहीं खेला और ना इंशाल्लाह कभी खेलेगा, क्योंकि वो जो है ना मुझे लगता है कि हराम की कमाई हो जाएगी। अभी देखो मेरा फजर का अलार्म बोल रहा है तो मैं वो बंद करता हूँ पहले तो मुझे लगता है कि अगर मैं हैक करके खेलूँगा, गलत इस्तेमाल करूँगा अपनी चीज़ का, तो वो हराम की कमाई हो जाएगी। तो मैं कभी इंशाल्लाह आप लोगों का दिल नहीं दिखाऊंगा और ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। ओके यहाँ मैंने बंदा भी मार दिया बातों बातों में, मुझे पता नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली जो है वो हराम खाए, क्योंकि हैक करके खेलना, धोखा दे के कमाना, ये फिर हराम कमाई में आता है। ऐसा काम आपका अनोनिमस कभी नहीं करेगा। तो वो हेडशॉट ही ऐसा था, तो मुझे बताना पड़ रहा है। आप देखोगे ना आप खुद हैरान हो जाओगे। तो गैस वो बंदा मैंने मारा, जो बंदा हमारा टीममेट गाड़ी लेके आया था ना, उसने बताया था कि हॉस्पिटल में बंदे हैं। तो हम हॉस्पिटल में बंदे देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। शायद वो पीछे जा चुके थे, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर में गोलियों की, वो देखो गोलियों के मार खा रहे हैं और आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेनलिन लगाया, एड्रेनलिन, हाँ एड्रेनलिन टीका लगाया। तो गैस जाके हमने कर दिया रश और यहाँ पे फालतू चीज़ें गिरा रहा था बैग से। और वहाँ पे क्या हुआ कि दो टीमें लड़ रही थी और एक टीम लड़ वड़ के फारिग हो चुकी होगी, मर चुकी होगी, और एक ही बंदा बचा होगा बिल्कुल, बाकी सब मर चुके होंगे। तो हमने आगे की तरफ कर दिया रश और अनोनिमस की पब्लिक मैं जो हूँ ना वह ऐसे हेडशॉट बहुत मारता हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मिस होते हैं और उसके बाद इक्का दुक्का लग जाता है। जब आप फेयर खेलते हो ना तो आप मरते भी बहुत हो, तो मैं बहुत बार मरता हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मतलब आप अगर पबजी बहुत पहले से खेल रहे हो या आपने नया नया शुरू किया, मैं आप सबसे मर सकता हूँ क्योंकि इसमें लक चाहिए होता है थोड़ा सा, कभी लक नहीं होता, कभी लैग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं मर जाता हूँ ईजीली। बट मुझे गेम प्ले बनाने में भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं है एक में बन जाता है, बहुत बार गेम खेलनी पड़ती है। तो ये बंदा जब छत पे भाग के आया था ना, जो रोड पे मेरा टीममेट था, उन्होंने इसे डैमेज दिया था अपने डीपी से और ये लो हो गया था, तो मैंने ऊपर आके इसको एक गोली मारी और किल उठा लिया। और अनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे इतना लकी चिकन डिनर मिला था हमें, क्योंकि जब हम जोन से बाहर से भी देखो लूट रहे हैं मजे से, फिर मेरा अलार्म बोल रहा है लॉल। तो हम मजे से लूट रहे हैं और इतनी देर में जो है ना हमारा पिंग वैसे ही चला जाएगा, जैसे पहले हमारा पिंग गया था ना वैसे दोबारा हमारा पिंग चला जाएगा। और इतनी देर में यहाँ पे एनिमीज की गाड़ी गुजरेगी, तो हम तो जोन से ही मरने वाले थे, लेकिन ये लकी चिकन डिनर था। आप देखना हमें कैसे मिला। अब टीममेट मेरा अटक गया था, वो बड़ी मुश्किल से उसका हाई पिंग है, वो कैसे भी करके नीचे आया। शो कम हो रहा होता है समटाइम गाइस, आया बहुत रहा होता है। देखो जोन से कितनी जल्दी उसकी हेल्थ गई और यहाँ पे मैंने उस बंदे को डाउन किया गाइस। और जो उनका दूसरा बंदा था वो जोन से मर गया, पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे, जोन का डैमेज लेके जोन से मर गया और हमें यहाँ पे चिकन मिल गया। ओके, इस वाले गेम प्ले में अनोनिमस की पब्लिक क्या होता है कि मेरा डिवाइस ना काफ़ी लैग कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रिकॉर्डिंग कर भी नहीं रहा होता, तो मैं चला गया था अपनी फालतू चीज़ें डिलीट करने और डिवाइस को रिस्टार्ट करने। जैसे वापस आया काफ़ी यहाँ पे बंदे मर चुके थे, एक ही किल था मेरा और मेरे टीममेट्स ने मुझे बचा लिया था। तो मैं उनको तंग करने के लिए गैस कैन फाड़ा, लेकिन वो जो है ना मैं ही नॉक हो गया और मुझे पता था ये मुझे रिवाइव करेंगे नहीं, बार बार कैंसिल करेंगे, तो मैंने नीचे जंप कर दिया। और इस मॉड की लेके जो भी होता है क्या होता है ये इवेंट, हाँ इस इवेंट की अच्छी बात ये अगर आप ऊपर से जंप करते हो ना यहाँ पे तो नॉक हो तो खुद पर खुद रिवाइव हो जाओगे। तो मुझे पता था ये, मैंने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, तो मैंने ऊपर से जंप कर दिया, नॉक था मैं और मैं नीचे आके खुद पर खुद रिवाइव हो गया। आप भी ये ट्राई कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, उसके बाद हमने अपने मेहरान की ड्यूटी और यहाँ पे शॉट आने वाला है वही वाला जिसकी मैं बात कर रहा था। और मैं दोबारा बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा फेयर मारा था मैंने। देखो पहले मैंने एकेएम निकाली हुई थी और जब ड्रॉप पे मैंने गाड़ी देखी तो पता नहीं मेरा क्यों दिल किया, मैंने देखो बंदा भागता हुआ आ रहा था तो मैंने अचानक से ऑम स्विच कर ली, ऑम से स्कोप इन किया, हेड पे ले जाके मारा। ओके बॉडी शॉट था ये, लेकिन फिर भी वो बंदा डाउन हो गया। क्या पता उसके बाद लेवल 1 की वेस्ट हो, तो या पता लो हो बंदा पहले से, बट बॉडी शॉट लगा था, हेड शॉट नहीं लगा था ये, वो नॉक हो जाता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो उसके बाद आगे की तरफ जाके इसकी करेंगे लूट। अभी तो मेरी टीममेट तारीफ कर रहे थे, वाह अनोनिमस भाई क्या हेडशॉट रहा आपका, अनोनिमस बड़ा खुश हो रहा था, ये हेडशॉट मारा, तो थोड़ी अपनी तारीफ वगैरह करवाई, थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अनोनिमस की पब्लिक हम यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद लेवल 1 का हेलमेट था, वेस्ट भी पता नहीं थी या नहीं थी बेचारे के पास। हमने मेहरान गड्डी उठाई और आ गए थे पोचिंग की यानी पिंडी और यहाँ पे ऑलरेडी हो रही थी फाइट। एक टीम स्क्वाडर्स में रुकी हुई, एक टीम हमारे पास रुकी हुई थी यहाँ पे। और जैसे हम राइट में जाते हैं हमें साउंड आने लग जाता है। स्क्वाडर्स में तो हमने गाड़ी देख ली थी ना, अब इसको मैंने डैमेज दिया, बड़ी नॉक जाता है मेरे टीममेट के पास और इनके बाकी बंदे भी आएंगे यहाँ पे। मेरे पास हेल्थ पूरी नहीं थी और जब मैं आता हूँ उसने तो 3 नॉक कर भी दिए थे। अब इनका आखिरी बंदा बचा था तो मेरी हेल्थ भी आधी है, पहले मैंने रीलोड लगाई, दोबारा से मैं बाहर जाता हूँ, साउंड आ रहा था राइट से और ये वाला किल मुझे मिलता है। मुझे एक ही किल मिला, मेरे जस्ट 4 किल हुए थे और 3 किल मेरे टीममेट के पास गए। अब एक बंदा हमारा आगे रश करता है स्क्वाडर्स वाली टीम पे, वहाँ पे नॉक किया था नंबर 4 ने और ये हमारे नंबर 4 जो हैं वो जायरॉक भैया हैं हमारे। तो मैंने अभी ऊपर नेड फेंका, सॉरी मॉली फेंका और वहीं यहाँ से साउंड आया था, तो वो बंदा इनका लो होगा और मॉली से ही मर गया। मेरे टीममेट को उसका किल मिल गया और एक किल मुझे मिल गया मॉली वाला। और गाइस यहाँ पे आती है बगी आती है, तो मैं फिर ऑम से कर रहा हूँ मस्ती क्योंकि मेरे पास ऑम, अब एक बार मार दिया ना तो हवाओं में उड़ रहे हैं आपके। अनोनिमस ऑम निकाली थी लेकिन बेइज्जती हो गई और इसके बाद मैंने यहाँ पे जंप किया नीचे और आगे की तरफ कर दिया रश। हाथ में भी ऑम है, यहाँ पे मुझे दोनों नॉक इन्होंने कर दिया था, मुझे एक भी नॉक नहीं मिला, एक भी किल नहीं मिला, लेकिन जाके लूट तो कर सकते हैं ना बाबा जी। तो हम जाके करेंगे लूट इनकी, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इज कॉल्ड लूट का, नो मजाक बाबा जी। तो मज़े से हम लोग यहाँ पे लूट वूट कर रहे थे इनकी। और उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, नेड थे, तो नेड तो मैंने सबसे पहले उठाया क्योंकि मैंने एनिमीज़ के लाइक ओके वो अपना 3rd लॉ आपको याद है, वो था जब लगती है सुई तो आवाज़ आती है आ करके टीममेट्स को फाड़ो गैस कैन और नेड से ठा करके, 3rd लॉ ऑफ अनोनिमस बाबा जी। तो आज की वीडियो में हम अपना 3rd लॉ फॉलो कर रहे थे और यह लॉ अभी तक आपको याद नहीं होगा तो सबके सब अनोनिमस की पब्लिक ये लॉ कमेंट करना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जब लगती है सुई तो आवाज़ आती है आ करके, एनिमीज को फाड़ो गैस कैनन नेट से ठा करके। अब हम जा रहे थे तो इनके बाकी टीममेट्स ने पीछे से फायर किया तो हमने फौरन से गाड़ी घुमा ली। मैं इनको बोल भी रहा था कि मुझे लग रहा है वो घरों पर नहीं है, बट ये लोग बोल रहे थे नहीं भाई घरों से फायर आई है, लेकिन मुझे लग रहा था वो राइड पर हैं। तो जब नज़र नहीं आया बंदा तो मैंने 3 स्टोरी के ऊपर जाने का फैसला किया ताकि अच्छा सा एंगल मिले, उसके बाद जो हम उनको डाउन कर सकें। यहाँ पे ओके अटक गया और यहाँ मैं आ गया था छत पे और मुझे एक बंदा नजर आया पिंक कपड़ों में, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया। और फिर मैं इसके दूसरे टीममेट को ढूंढ रहा था और वो मुझे नजर आता है अचानक से पेड़ के पास और ये भाग गया। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, लॉबी पहुंचाया और जलधब सिंध का डायलॉग बोला। फिर हमने जा मड़ा पश्तो डायलॉग बोला और फिर गाड़ी को ठोका और फिर इस बंदे को बोला ना छेड़ मलंगा नू कुत्ते पैसन टंगा नू। वाह 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 वाह। और यहाँ पे मेरे टीममेट ने नेट कर दिया तो उल्टा हमारे पर, वाह वाह। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो गेट इन कर एग्जिट करके गेट इन वाला मैं स्टंट करने की कोशिश करता बट मैं नॉक हो गया। अब मुझे पता था ये लोग मुझे ज़्यादा ही तंग करने वाले हैं। ये जो नंबर 4 है ना ज़ाहिर होगी ये बड़ा तंग करता है। ये नंबर 1 फिर अच्छा बंदा है यार, ये वायरस ये रिवाइव वगैरह दे रहा था। एक बार तो इसने भी कैंसिल किया, यहाँ पे कैंसिल कर देगा, पता नहीं इससे हो जाता है या कर देता है। बट मुझे पता था अगर नंबर 4 के हाथ में रिवाइव चला गया तो ये बड़ा तंग करने वाला है, ये मुझे रिवाइव नहीं देगा। तुमने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, आराम से कर रहा था मैं वेट। अजाने शुरू हो रही हैं, जाना पड़ेगा जल्दी से, मैं जल्दी थोड़ी सी रह गई बस वीडियो। तो गैस मैंने यहाँ पे नेट निकाला, आराम से लेट गया और वो देखो स्मोक में मस्ती कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। तो जब लगती है सुई तो आवाज़ आती है करके टीममेट को फाड़ो नेट से और गैस कैन से ठा करके नॉक किया नंबर 4 को। और अब मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तंग करने वाला हूँ। ये मेरा बहुत पुराने दोस्त हैं सब, मैं बहुत अरसा खेला हूँ उनके साथ और अब हम लोग कम खेलते हैं क्योंकि ये लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं अपनी कर रहा होता हूँ। तो मैं इनके साथ ना बड़ा लाइक इनको तंग वंग बहुत करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तंग करना स्टार्ट किया और ये गाड़ी पे बैठ गया, दूसरा गेट इन कर दिया। और यहाँ पे वो बनता है गाना के यारा तेरी यारी को या वो यारा तेरी मेरी यारियाँ दिल की टीटी सस्ता गाना विद अनोनिमस नी नी नी। अब यहाँ पे मैं देखो मज़े से लेके जा रहा हूँ उसको अपनी मेहरान गड्डी पे बिठा के, इसका बम हमारी तरफ है और अगर इसने फाट मारा ना तो ओ क्या बोल रहा हूँ मैं, तौबा तौबा तौबा, मतलब जलधब प्रेशर कंट्रोल करके रखो ऐसा कुछ मतलब। इसका मतलब बताओ यार मुझे नहीं पता, ऐसा ना कोई उल्टा सीधा मतलब और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ अनोनिमस की पब्लिक। और कोई बलोची डायलॉग भी मुझे बताओ तो मैं वो भी बोला करूँगा। फिलहाल गैस हम लोग जा रहे थे जोन के अंदर और यहाँ पे क्या होता है मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है और ये बंदा जो है ना हमारे ज़ायरक भैया इनके साथ हमें प्रैंक हो जाएगा। ये गिरे और गाड़ी के नीचे आके मर गए, सैड लाइफ। और फिर मुझे बड़ा बुरा लगा लेकिन हमने थोड़ी सी मस्ती करने का फैसला किया, डांस वांस कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं माली निकाल के इसकी क्रेट पे माली करके थोड़ा तंग करूँगा भाई को, अपना भाई है उसे तंग करने में मज़ा आता है। इतने में मुझे आखिरी बंदा नजर आया, सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं। और यहाँ हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर अनोनिमस की पब्लिक, लेकिन MVP यही आया था नूब और मैं नहीं आ पाया। एक नूब आया, दूसरा नूब नहीं आ पाया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी को बाबू लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और अनोनिमस की पब्लिक ऊपर मेरा सेकंड चैनल आ रहा है जहाँ मैं ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, वहाँ सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और प्लीज़ जो मैंने बात बोली ना आपको 5-10 रुपये बेशक कल परसों आज जब भी आपसे हो सके किसी को ज़रूरतमंद को दे देना या मस्जिद मदरसे में डाल देना, तो हम इस वीडियो से काफ़ी अच्छा काम कर चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ख्याल रखना, दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।